अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो हाजिर हूँ जी मैं एक नई रेसिपी के साथ जो कि आपको सामने नज़र आ रही है। आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम और सब बनाने क्या मसाले है? ज़्यादा शामिल कर लिए नमक, मिर्च और अपने सीक्रेट मसाले। और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख लिया जो कि काफ़ी हद तक हो जाएगा, तो इसमें हम डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको कर लेंगे लाइट गोल्ड। बहुत ही मजे की होती है और अक्सर मैं इनका पुलाव बनाती हूँ, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ दही वाली रेसिपी मैरिनेट करने के बाद। ये कितनी लजीज और मजेदार बनती है। मेरी रेसिपी को जरूर पसंद कीजिएगा और ट्राई भी लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। हम इसको कर लेते हैं लाइट गोल्ड। प्यारा गोल्ड कलर आ गया। अब इसमें शामिल करूंगी ये जो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी। इसको दही में अच्छी तरीके से मैरिनेट करने के बाद आप लोगों ने कम से कम इसको 1.5 घंटा रखना है और मैंने भी 1.5 घंटा रखा है। और अब मैं इसको शामिल करती हूँ इसमें। रहमान रहीम, इसको मैं मसाले में शामिल कर चुकी हूँ। मैं अलग अलग कर रही हूँ ताकि सबको ना जगह मिले। इसको हल्का सा भून लेंगे और इसका थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे और इसको उसके बाद हम 20 से 25 मिनट के तक रखते हैं। और उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। रोटियां मेरी बनके हो गई है रेडी और यहाँ जो सालन है वो भी बिल्कुल फाइनल की तरफ जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और ये बहुत ही मज़े का होता है। आप लोग अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। बहुत ईजी फटाफट बनने वाली रेसिपी है, तो ये बहुत ईजी और फटाफट बनने वाली रेसिपी आप लोग ज़रूर अपने घर में बनाइएगा।
चलें जी, इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।